जब तो मुझे कहीं कहीं काम में लगा दे। ये पहला वाला है जो आखिरी।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप सभी ठीक ठाक होंगे। और सुबह से कोई बात नहीं हो पाई, मंदिर में गई थी और सभी गए थे घर के मंदिर में। मेरी जेठानी भी गई थी, बच्चे भी सब, और मैं और अक्की के पापा सभी जल चढ़ा के आए हैं। वीडियो नहीं बन पाई मेरी, बनी थी बस, उसके बाद फोन उठाने की फुर्सत ही नहीं हुई। और कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे हैं, कल के हैं सारे बृहस्पतिवार के, और आज सब सुबह सुबह नहा लिए तो आज भी सभी के हैं, सबके इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं, दिखाऊंगी आप सबको वीडियो में। तो मेरा एक पैर किचन में और एक पैर उधर छज्जे पे कपड़े धोने में, बार बार मशीन में से कपड़े निकालने आना पड़ रहा है और बार बार किचन में बर्तन धोने के लिए जाना पड़ रहा है। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट अपना। मंदिर में सोचे थे फिरोजपुर जाने का, पर टाइम नहीं लगेगा। सारे में धो दिया है क्योंकि मट्टी आई थी खेत में से, मट्टी हो गई थी सारे में, तो इस वजह से धोना पड़ रहा है। था मेरा तो मैं थोड़ा सा प्रसाद में हलवा बना रही हूँ शिव जी को चढ़ाने के लिए। घी में और ये चार पूरी बनाई है घी में, चार पूरी घी की बनाई है प्रसाद के लिए। हमारी मम्मी छोले, आज ना मन ने कोई भी मसाला नहीं पिसा छोले बनाने के लिए। लंबी लंबी प्याज काटी हैं और इसमें तीन लौंग डाली है, दो तीन डाली है काली मिर्च और एक बड़ी इलायची, तेज पत्ता छोंक में ये डाल दिया है। और इस तरह से छोले बहुत टेस्टी बनते हैं, मुझे ज़्यादातर ऐसे ही पसंद आते हैं, बड़ी बड़ी प्याज काट के जब छोले ऐसे बनाते हैं। और साबुत मिर्च भी डाल लिया मैंने दो। तो बस अभी ये मेरा मसाला होने वाला है, प्याज भून के, और उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। आज मैंने टमाटर भी ऐसे काट रखे हैं, टमाटर भी नहीं पीसे मैंने मिक्सी में, तो आज ऐसे बनाऊँगी। और टेस्टी बनते हैं कढ़ी और छोले, लंबी लंबी प्याज कट करके बनाते हैं ना, तो बहुत टेस्टी बनते हैं। बस इसमें अदरक और थोड़े सा लहसुन का पेस्ट डाल दो पीस के, बहुत टेस्टी बनते हैं। पर मैंने आज डाला नहीं लहसुन, और वो व्रत मैंने सुबह ही खोल लिया था अपना। सुबह मैंने जीरे की पिट्ठी बनाई थी, पिट्ठी और पराठे बना लिए थे, तो व्रत खुल चुका है और अब दोपहर के खाने की तैयारी है। सुबह मैंने जीरे की पिट्ठी बनाई थी, जीरे में छोंक लगा के और उसमें फिर दही डाल के खाया था खाना, बहुत टेस्टी लगा था। और व्रत मैंने चार पूरी बनाई थी, गाय को दे दी थी, और हलवा और पेड़ी भी दी थी, उसके बाद ही खुला था व्रत। और बस अभी हम छोले बना लेते हैं, छोले के साथ में रोटी बनाऊँगी, चावल नहीं बनाऊँगी क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जब तक आएँगे वो ठंडे हो जाएँगे, तो चावल रहने देते हैं आज। पापा जी चीकू लाए हैं, अंगूर लाए हैं, तो कान्हा जी को भोग लगा देते हैं। सबसे पहले ये धुलेंगे, और अंगूर धुल चुके हैं। ये है छेलड़ा, आज बनी है खीर गाय के दूध की। खीर बनाई है पतीली में,
बहुत सारी प्याज ली है। तब ले लिया था मम्मी ने छिलक से वो कर दोन के जिन पर ज्यादा से हो गए फिर उड़े फिर रसोई में। आप सबके कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी जेठानी से क्यों नहीं बोलते हो। बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि, पर वो बात नहीं है जैसे हंसी मजाक या फिर ज़्यादा ही बैठ के बातचीत करना, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कम बातें करती हैं। ज़्यादातर वो एकांत में ही रहना पसंद करती हैं, तो इस वजह से बस जब काम होता है या कुछ वो होता है तो बोल लेते हैं, नहीं तो बस ऐसा ही है। और परिवार में होता ही है एक आध सदस्य जो कम बोलने वाला और बातचीत करने वाला होता है, जॉइंट फैमिली में हो जाता है कोई ऐसा जना घर में जो कम बातचीत करता है और कम ही हंसना बोलना पसंद करता है, तो वो अपना ज़्यादा एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करती है। और जॉइंट फैमिली में सभी तरह के इंसान होते हैं, कोई किसी का नेचर कैसा होता है, किसी का कैसा, तो उनका बस ऐसा ही है। और तो इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा ही था जब वो किचन में सब्जी लेके आई थी, लगा रही थी, तब मैं उनसे बातें भी कर रही थी। और भैया वो ज़्यादा नहीं बोलती हैं और ना ही वो वीडियो में ज़्यादा बोलती, वीडियो में भी नहीं बोलती नज़र आती आप सबको, ज़्यादातर काम करते ही नज़र आती हैं। मैं ऐसे ही वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि फिर आप पूछते हो कि आपकी जेठानी कहाँ गई। और आपका एक फ्रेंड्स का कमेंट आ रहा था कि आपकी देवरानी कहाँ है, तो मैंने बताया था वीडियो में वो अपने मायके गई हुई है, आ जाएगी वो भी अभी थोड़े बहुत दिनों में, तब आपको मोनिका भी देखने को मिलेगी, मेरी देवरानी। तो चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी, एक दुखिया के दर्द को आप सब समझ सकते हैं। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना होती, परेशानी ना होती, तो मैं ऐसे नहीं कहती कि सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। कुछ परेशानी या दिक्कतें हैं लाइफ में, तभी तो मैं रोज ही बोलती हूँ और आप सबसे निवेदन करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।